नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। ग्वालियर में 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ 2 साल से दुष्कर्म कर रहे आरोपी ने 2 दिन पहले उसके कुछ फोटो और वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर दिए। घटना थाटीपुर के अशोक नगर की है। छात्रा ने गुरुवार सुबह थाटीपुर थाने पहुंचकर शिकायत की, जिसके बाद बिना देर किए पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और आरोपी को हिरासत में ले लिया। आरोपी की बनाई फेसबुक आईडी को ब्लॉक कर दिया गया। थाटीपुर थाना क्षेत्र स्थित अशोक नगर निवासी 17 वर्षीय किशोरी 12वीं की छात्रा है। उसके पास ही विशाल उर्फ भोला जसोनिया किराए से रहता है। 2 साल पहले जब छात्रा 15 साल की थी तो आरोपी ने उसे बहलाकर दोस्ती की थी। इसके बाद एक दिन उसे अपने कमरे पर बुलाकर दुष्कर्म कर दिया और उसके कुछ फोटो व वीडियो मोबाइल से फेसबुक पर अपलोड कर दिए। विशाल नाम का लड़का है, जो 1 साल से करीब एक अपनी कॉलोनी की, अशोक कॉलोनी थाटीपुर की लड़की को 1 वर्ष से करीब परेशान कर रहा था। उसने उसके कुछ फोटोग्राफ्स खींच रखे थे, जिसके आधार पर वो उसको ब्लैकमेल करता था। लड़की के द्वारा अपने बयानों में बताया कि उसके साथ उसने फ़ोटो खींच कर ब्लैकमेल कर उसके साथ गलत कार्य किया। बाद फिर रुपए की भी मांग करने लगा वो फेसबुक पर फ़ोटो डालने के एवज़ में, उसे कि डिलीट तभी करूँगा जब कुछ रुपए मिल जाएंगे। तो उसने तंग आकर और अपनी बदनामी के कारण वो थाने नहीं आ सकी। बाद आकर उसने रिपोर्ट दर्ज की, जिसके आधार पर उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज़ आज। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।